नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। मनी सप्लाई, जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी और हमने बात की थी कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, मनी सप्लाई किस तरह से होती है। इस पर केवल RBI जिम्मेदार नहीं है, मनी सप्लाई बैंकिंग पर भी निर्भर करती है। पर दोस्तों, बैंक जो पैसा बनाता है उसको मनी तो नहीं कह सकते, क्रेडिट कह सकते हैं। तो फिर मैंने मनी का इस्तेमाल क्यों किया था, क्योंकि आम जिंदगी में क्रेडिट को भी हम मनी कहते हैं। ये जो क्रेडिट है ना दोस्तों, ये बड़ी मज़ेदार अद्भुत बात है। एक छोटा सा हल्के लहजे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कहते हैं कि 2008 में दुनिया में घोर मंदी आई थी और ऐसी घोर मंदी में एक हिंदुस्तानी यूरोप US घूमने के लिए निकलता है, और जब मंदी होती है तो कारोबार ठप हो जाता है, ट्रांजेक्शन्स कम हो जाते हैं, ख़रीद फरोख्त कम हो जाती है, GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, अपनी देनदारियाँ लोग चुका नहीं पाते हैं, लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में होटल व्यवसाय में लोग आके नहीं रहते हैं और होटल बिल्कुल खाली रहता है। पर हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तानी तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो जब विदेश घूमने गया तो उसको लगा कि शायद उसको होटल मिले ना मिले, वो पहले से एक होटल को तय करना चाहता था। तो वो शाम को गया, एक होटल वाले के पास पूछा, क्या मैं आपके कमरे में कल आके रह सकता हूँ? होटल वाला कहता है, ज़रूर आप कल आके रह सकते हैं, लेकिन अगर आप कल के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं तो 1000 रुपये अदा करें। माफ़ कीजिएगा, मैं रुपये को इस्तेमाल कर रहा हूँ, पाउंड या डॉलर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप 1000 रुपये जमा कराएं और कल आपको निश्चित रूप से कमरा रहने के लिए मिल जाएगा। हिंदुस्तानी 1000 रुपये जमा करा देता है और वापस आ जाता है। जब ये वार्तालाप चल रहा होता है, उसी दौरान वहाँ पर एक दुकानदार खड़ा होता है जो कि वेजिटेबल सप्लाई करता है इस होटल को दैनिक बेसिस पे। उस मंदी की मार की वजह से होटल पिछले 6 महीने से उसको पेमेंट नहीं कर रहा था, और वो जैसे ही देखता है कि होटल के पास नकदी आई है, वो तकाजा करता है कि आपने मुझे 6 महीने से पेमेंट नहीं दिया, आज मैं बिना पेमेंट लिए नहीं जाऊंगा। होटल वाला परेशान हो जाता है, मन मार के भी वो 1000 रुपये का पेमेंट कर देता है वेजिटेबल वेंडर को। अभी वेजिटेबल वेंडर को पुराने दिए गए वेजिटेबल पे 1000 रुपये प्राप्त हो गए। ये 1000 रुपये लेके खुशी खुशी घर जाता है। मंदी की मार की वजह से, आमदनी ना होने की वजह से, वो अपनी वाइफ को लेके बहुत दिनों से सिनेमा नहीं गया है। वो घर का दरवाज़ा डोरबेल बजाता है और एक्साइटमेंट में बोलता है, जैसे ही बीवी दरवाज़ा खोलती है एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज सिनेमा देखने चलेंगे। लेकिन अचानक से वो क्या देखता है कि ड्राइंग रूम में वो फार्मर बैठा हुआ है जो उसको वेजिटेबल सप्लाई करता है। उस फार्मर को इसने पेमेंट नहीं की थी क्योंकि इसको होटल से पेमेंट नहीं मिल रही थी। फार्मर तकाजा करता है कि मुझे आपने 6 महीने से पेमेंट नहीं दी है, आपको सिनेमा देखने के लिए पैसा है, मेरे को पेमेंट करने के लिए बहाना करते हो। वो दबाव में आता है और 1000 रुपये की पेमेंट फार्मर को देता है। फार्मर तो गांव में रहता है, आज वो शहर आया हुआ है। जब वो शहर आता है तो उसको रात होटल में रुकना होता है। वो होटल में रुकने के लिए उसी होटल में आता है, और जैसे ही होटल में आता है तो होटल वाला कहता है कि आज हम आपको रुकने के लिए जगह नहीं दे सकते, कमरा नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले 1 साल से आपने हमें जितनी बार भी ठहरे हैं उसकी कीमत अदा नहीं की है। फार्मर को अभी कभी 1000 रुपये मिले हैं, वो पुराना बिल चुका देता है, 1000 रुपये की पेमेंट होटल को करता है और उसको होटल में रहने के लिए स्थान मिलता है। थोड़ी ही देर में हिंदुस्तानी वापस लौट के आता है और कहता है कि मुझे दूसरी जगह अच्छी होटल मिल रही है, मुझे आपके होटल में नहीं रहना, मुझे 1000 रुपये वापस दे दीजिए। 1000 रुपये तो फार्मर होटल वाले को दे चुका है, हिंदुस्तानी अपने 1000 रुपये लेके वापस चला जाता है। दोस्तों, कुछ बात समझ में आई? 1000 रुपये हिंदुस्तानी लेके आया था, 1000 रुपये हिंदुस्तानी वापस लेके चला गया, लेकिन होटल वाले के बिल चुक गए, वेजिटेबल वाले के बिल चुक गए और फार्मर के बिल चुक गए, हुआ कुछ भी नहीं। ये कैसे हुआ? क्रेडिट से हुआ। ये पैसा ना होटल वाले ने कमाया था, ना दुकानदार, ना होटल वाले के पास हिंदुस्तानी रहा था, उसने महज कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने 1000 रुपये होटल वाले के पास छोड़े थे। तो जब भी दूसरा व्यक्ति कुछ समय के लिए आपके पास पैसा छोड़ता है, उसको क्रेडिट कहते हैं, और ये क्रेडिट अद्भुत बात होती है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, देखा आपने क्रेडिट कितनी अद्भुत बात है। क्रेडिट मनी नहीं है, लोग मनी और क्रेडिट को कन्फ्यूज कर जाते हैं। क्रेडिट होता है बोरोड मनी और मनी, और लेकिन जब ये क्रेडिट स्पेंड होता है तो मनी बन जाता है। मैंने बैंक से 1000 रुपये उधार लिए, ये उधार है, पर वो 1000 रुपये उधार लेके मैंने खर्च किए, वो मनी बन जाता है। यही तो रिश्ता है क्रेडिट और मनी के बीच में। बैंक इस क्रेडिट को क्रिएट करता है, और बैंक जो ग्राहक बैंक से क्रेडिट लेता है वो मनी क्रिएट करता है, और इस तरह से मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई को RBI कम कर सकता है, पर क्रेडिट को RBI कम नहीं कर सकता। क्रेडिट तो चुकाना पड़ता है, जब चुकाया जाता है तब क्रेडिट कम होता है। मनी से आप क्रेडिट डेट दूर कर सकते हैं, पर आप क्रेडिट से क्रेडिट या डेट दूर नहीं कर सकते।
तो आइए, क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, बैंक कैसे क्रिएट करता है, आइए इसको हम समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गोल्ड स्मिथ की, कि किस तरह से लोग गोल्ड ले जाके गोल्ड बैंक में रखते थे और IOU जिसको आप हुंडी बोल सकते हैं वो बाजार में चलती थी और वहां से पेपर करेंसी लौट के आई। वो जो सुनार था उसने उस पेपर करेंसी को इस्तेमाल कैसे किया, IOU को इस्तेमाल क्यों किया? उसने इस्तेमाल इसलिए किया कि उसका अनुभव एक ज़बरदस्त अनुभव था कि जो भी लोग गोल्ड जमा कराते थे वो गोल्ड निकालने नहीं आते थे। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में बैंक इसी आधार पर काम करता है कि सारे लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे, क्योंकि आपका पैसा तो आगे वो उधार दे देता है, अगर आप निकालने आएंगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। और यही क्रेडिट क्रिएशन का आधार बनता है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल बैंकिंग। याद कीजिए, GDP ग्रोथ रेट अचानक से दुनिया में पिछले 200 सालों से क्यों बढ़ी, क्योंकि उसके पहले दुनिया में फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग नहीं थी। अद्भुत बात है, आपको अजीब नहीं लगना चाहिए अगर मैं ये कहूँ कि ये पैसा जो आप इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, ये हवा में बनता है। आइए समझते हैं हवा में कैसे बनता है। कल्पना करें कि आपने 100 रुपया उधार बैंक में डाला। अब ये सारा अजम्पशन इस आधार पे होता है कि सारे लोग पैसा एक साथ निकालने नहीं आएंगे। आपने 100 रुपया बैंक में डाला, बैंक ये 100 रुपये का क्या करता है, वो आपका पैसा आपसे लेके आगे उधार देता है और एक मज़ेदार बात आपसे कहता है, कभी भी पैसा निकाल लेना। अरे कैसे निकाल लेना, आपका 100 रुपया तो उसने आगे उधार दे दिया, तो वह कैसे काम करता है? उस 100 रुपये में से 10 रुपये अपने पास रिजर्व रखता है जो RBI तय करता है। तो कल्पना करें कि हम दो कल्पनाएं करते हैं। पहली कल्पना करते हैं कि RBI ने 20 रुपया रिजर्व रखना तय किया है। बैंक के पास आपने 100 रुपया जमा किया, 80 रुपया बैंक ने उधार दे दिया, 20 रुपया रिजर्व रख दिया। अभी जो 80 रुपया उधार बैंक ने दिया है, इसमें एक अद्भुत बात मेरे से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और ध्यान से मनन करके सोचिएगा। आप में से सभी श्रोताओं ने जीवन में कभी न कभी बैंक से उधार लिया होगा, पर क्या आपको बैंक ने कभी नकद उधार दिया है? हरगिज नहीं। बैंक से आप कभी नकद उधार नहीं लेते हैं। बैंक आपको जब भी उधार देता है एक लोन अकाउंट क्रिएट करता है जिसको डिपॉजिट कहते हैं, चेक से वो आपको पैसा देता है। तो 80 रुपया आपको मिल गया। अब जिस भी व्यक्ति ने ये 80 रुपया उधार लिया, उधार क्यों लिया है? खर्च करने के लिए लिया है। अब वो खर्च करता है, जब वो खर्च करता है तो 80 रुपये जिस व्यक्ति को मिले वो क्या करता है, वो ये 80 रुपये दूसरे बैंक में जमा करता है। ये दूसरा बैंक इस 80 रुपये में से 64 रुपये उधार देता है, 16 रुपये का रिजर्व रखता है, क्योंकि 20% उसको रिजर्व रखना है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये पैसा इस तरह से ख़त्म ना हो जाए। और ये कितना होगा, याद करें पिछला वीडियो, मल्टीप्लायर तय करता है। जब भी 20% का एक्सेस रिजर्व होगा तो 5 का मल्टीप्लायर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया जो आपने डिपॉजिट किया बैंक में, उससे समाज में नए 500 रुपये के डिपॉजिट बनेंगे और ये डिपॉजिट क्रेडिट के होंगे और ये क्रेडिट समाज में पैसा क्रिएट करेगा। अगर मैं इस रिजर्व को 20% से गिर के 10% कर देता हूं, तो इस 100 रुपये जो आप जमा करेंगे, ये 100 रुपया समाज में 500 नहीं 1000 रुपये बनाएगा। तो जितना ज़्यादा रिजर्व होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, जितना कम रिजर्व होगा उतना क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। और इस तरह से RBI इस रिजर्व को कंट्रोल करके, इस रिजर्व को कम ज़्यादा करके समाज में क्रेडिट क्रिएशन को घटाती और बढ़ाती है। एक अद्भुत बात और सुनिएगा, इस परिवर्तन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दादी के ज़माने में कोई भी उधार नहीं देता था, कभी भी आसानी से उधार नहीं मिलता था जब तक आप सोना गिरवी ना रखें। और आज की तारीख में एक फ़ोन कॉल है जो रोज़ाना आपके पास में आता है दोस्तों, रोज़ाना आपके पास में आता है। ताज ज़िंदगी ये फ़ोन कॉल मेरे पिता के पास कभी नहीं आया, और ये फ़ोन कॉल है, लोन चाहिए क्या, ये लोन देने वाले लोग कहाँ से आ गए, ऐसा क्यों हुआ, इसको हम आने वाली वीडियोज़ में समझने की कोशिश करेंगे। मनी सप्लाई और उसके साथ क्रेडिट क्रिएशन, ये दो बातें ब्याज दरें इन्फ्लेशन को बहुत प्रभावित करती हैं। कितनी मनी सप्लाई होगी, कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, ये निर्भर इस बात पे करता है कि आप कैश ज़्यादा रखते हैं कि बैंक में पैसा ज़्यादा रखते हैं। अगर आप कैश ज़्यादा रखेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, CRR अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, लीकेजेस ज़्यादा होंगे मतलब आपने बैंक में पैसा कम जमा कराया तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। इन सब बातों की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत आसानी से RBI हिंदुस्तान में मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है।
ये क्रेडिट क्रिएशन जो है ये ज़बरदस्त इम्पैक्ट लेके आता है, मनी सप्लाई को घटाता है और बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि इसको घटाने और बढ़ाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।